जैसा कि इन्फॉर्म किया गया, 41 लोग अंदर हैं जो सेफ़ हैं, उनको खाना की सामान भी अंदर पाइपलाइन एक छोटी उसके तहत मुहैया करवाई जा रही है, बिजली की सप्लाई दी जा रही है और लॉजिस्टिक की अभी कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सेफ्टी अभी जो इंश्योर की गई है तो सेफ़ है। और एजेंसी NHIDCL जो इस पे काम कर रही है, तो जो एक्सपर्ट्स भी अब इकट्ठे हो गए और भी लोगों से इनसे ओपिनियन लिया जा रहा है, तो जो बेस्ट पॉसिबल है उस तरह से हम रास्ता बनाकर उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें बेसिकली अभी टेक्निकल काम है, जो हैवी मशीनरी और एक्सपर्ट्स का काम है, तो NDRF फ्रंट में नहीं है, लेकिन हमारी इन एक्सपर्ट्स और एजेंसीज के साथ निरंतर हम कांटेक्ट में, हमारी दो टीम वहाँ पर डिप्लॉयड है शिफ्ट से, वो इनके साथ वहाँ पर स्थिति का भी मुआयना कर रहे हैं। दूसरा, अगर इस तरह का एक्सेस पाइप के थ्रू या ड्रिल करके कोई भी एक्सेस बनाया जाता है तो उसमें NDRF किस तरह से टीम हमारी एक्सपर्ट्स अंदर जाएंगे, उनको निकालेंगे, उसकी भी प्लानिंग और ट्रेनिंग और एग्जीक्यूशन ऑलरेडी हम ग्राउंड पर कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, स्टेट मशीनरी पूरी लगी हुई है, मेडिकल के इनके एम्बुलेंसेज वगैरह सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंडली, ब्रीदिंग इशू का भी ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया है, अंदर सब सेफ है और जो पाइपलाइन का एक्सेस है वहाँ से एयर कंप्रेशर के थ्रू भी वो अंदर ऑक्सीजन उनको सप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह की मुझे नहीं लगता कि उनको अभी कोई दिक्कत हुई है। लेकिन एक्सेस करने के बाद जब बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली उनको सभी मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो रिकवरी फास्ट हो सके। तो NDRF की अपनी एक्सपर्टीज है इन सब केसेस में, जैसा कि कोलैप्स स्ट्रक्चर होने पे हम किस तरह निकालते हैं, या फिर टनल से हम किस तरह का निकालते हैं, कोई कटिंग इक्विपमेंट है जरूरत है, ये थोड़ा डिफरेंट है सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पर टनल पहाड़ के अंदर बना हुआ है, तो एक बार एक्सेस बनने के बाद फिर हम उसमें इवैक्यूएशन में और काम करेंगे। और एक्सपर्ट्स तो एजेंसीज जो NHIDCL और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोऑर्डिनेशन किया हुआ है, जो भी एक्सपर्ट है नेशनल या बाहर के आ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से। एक बार एक्सेस टनल बन जाए, जो कि टेक्निकल काम है, जो एजेंसीज ऑलरेडी कर रही हैं जो इसमें काम करती हैं, एक बार एक्सेस बनने के बाद NDRF कैपेबल है उनको सेफली बाहर निकालने के लिए।